हम कॉमिक्स पढ़ेंगे आज, चाचा चौधरी और साबू का पैर। चाचा चौधरी साबू के पैर पर पट्टी क्यों? पहाड़ की चट्टान उस पर गिर पड़ी थी, फ्रैक्चर हो गया है बेचारा, ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। उस कार में बैठो क्यों? मैं तुमसे शादी करूंगा, ये जबरदस्ती है, मुझे नीचे उतारो, बचाओ बचाओ। बदमाश लड़की का अपहरण करके ले जा रहा है। ओ आ, मैं दौड़ नहीं पा रहा, लेकिन मेरा कुंडल काम आएगा। जाओ, कड़ा धड़ाम, आओ धड़। शुक्र है जान बच गई। कुछ दिन बाद, साबू मेरे रास्ते में रोड़ा बनता है, मैं पावरफुल बम यहाँ दबा देता हूँ। वह जब यहाँ से गुजरेगा, तब रिमोट कंट्रोल से मैं बम को उड़ा दूंगा। क्यों जनाब, रिमोट कंट्रोल के लिए यहाँ किसके इंतजार में बैठे हैं? यह उपकरण मेरे टीवी का है, मगर यहाँ टीवी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो घर पर है, जरा इसे मुझे दिखाओ। ठीक है, अपना रिमोट वापस लो। साबू आ गया, यही मौका है, उसे बम से उड़ा देना चाहिए। ओह, मगर रिमोट कंट्रोल काम नहीं कर रहा। गिरगिट कहीं का, मैंने रिमोट कंट्रोल से शायद निकाल लिए थे। अब हम पढ़ेंगे चाचा चौधरी और मिस्टर बंडर। मिसेज रीमा नमस्ते, तुम्हारे जेवरात महंगे लगते हैं। हाँ मिसेज संतोष, एक टीवी क्विज में मैंने 1 करोड़ रुपया जीता था, तभी मैंने ये खरीदे थे। मुबारकबाद। धन्यवाद बंडल। उस औरत ने काफी जेवर पहने हैं, उन्हें हथियाना होगा। मैंने अपने टीवी पर पहेली के उत्तर देते देखा था। शुक्रिया, मैं अपना हिस्सा 25 लाख रुपया लेने आया हूँ। मैं ये रकम तुम्हें क्यों दूँ? अगर तुम जिंदा न रही तो बाकी के 75 लाख रुपये किस काम के? बचाओ बचाओ, अरे निहत्ती महिला पर जुल्म। हीरो बनने की कोशिश ना करो, खोपड़ी उड़ा दूंगा चाचा चौधरी। मैं खिलौने से नहीं जाता, यह असली है। देखो, धाए तड़ा तड़ा धड़ाम, आप निडर होकर जाइए। आए आए। थोड़ी देर बाद, रखा एक लाल पगड़ी वाले ने मुझे चकमा दिया। वो आ रहा है, मैं उसे मजा चखाता हूँ। 25 लाख रुपए निकालो, पीछे मेरा सेक्रेटरी खड़ा है, उससे ले लो। वैसे ये रहा 25 लाख का चेक, लेकिन इसे बनाने के लिए मुझे बैंक तक जाना पड़ेगा। पैर दुखने लगे, मैं तुम्हें वहां पहुंचा देता हूँ। धड़ा छपा धड़म। आ अब हम पढ़ेंगे चाचा चौधरी और जोकू और पिंटू। जोकू, तुमने नए शूज पहने हैं? हाँ पिंटू, ये मेरे डैडी लाए हैं। क्यों ना आज हम नदी पर नाव की सैर करने चले? अच्छा ख्याल है, चलो। पिंटू, तुम नंगे पांव घूम रहे हो, कोई कांटा या सीधा चुभ जाएगा। साबू, पिंटू के लिए जूते लाओ। वाह वाह, यह मेरे पांव में फिट आए हैं। आओ अब नाव पर चलें, आज मौसम अच्छा है, नाव में बैठना आनंददायक है, इसे दूर ले चलते हैं। ओ नाव उलट गई, किनारा किधर है? शुक्र है जान बच गई। ओ मेरे जूते पानी में, इनकी सेब बिगड़ गई।
लेकिन पिंटू तुम्हारे जूते वैसे के वैसे हैं, ये कैसे हो गया? क्योंकि पिंटू ने वाटरप्रूफ शूज पहने हैं, इनकी शेप नहीं बिगड़ती। अगली कहानी है चाचा चौधरी और टेररिस्ट। भेजो, हमें टीवी बिल्डिंग को उड़ाना है। इस वक्त 4 बजे हैं, टाइम बम 4:05 पर सेट है। गोमा, आरडीएक्स कहाँ है? इस बैग में। भेजो, उसमें पहिए लगे हैं। बैग भारी है, उसमें पहिए लगे हैं। बारिश को ठीक कर ले जाना आसान है। टीवी बिल्डिंग, लोग कहीं मुझे देख न लें, इसलिए बैग को इमारत की तरफ धकेलना बेहतर है। ओ कमरकक्त, उस ट्रक के बीच में बैग को रोक लिया। साहब रुकिए, आपका बैग। गोमा, जल्दी भागो, जाओ। धड़ाम, सर्राट, खड़ाक और बैग से गाड़ी टकराई और उड़ गई। जकलो, इस देश में आतंकवादी फैलाने के हमारे मंसूबे चाचा चौधरी विफल कर देता है। पहले मैं उसे ऊपर पहुंचाऊंगा, ढूंढ कर उस कांटे को रास्ते से हटाना होगा। चूहे, मेरी बड़ी बंदूक के आगे कोई टिक नहीं सकता। हमारे पास उससे भी बड़ी गन है। कौन सी? उधर देखो, मैं पहले उसे ही खत्म करता हूँ। धाए, बज गया। वहीं रुक जाओ, वरना धड़ा तड़ाक, अपने आप को बड़ी तोप समझता था। अब कहानी है फंदा। आज दफ्तर जल्दी पहुंचना है, वहां पहुंचकर काम है। ओ रेड लाइट, यहाँ रुकना पड़ेगा। नीचे उतरो, अब आगे कहानी पढ़ेंगे अगले भाग में।